आईपीएल 2020 शुरू होने में दिन बचे हैं सिर्फ 12। अब तो शेड्यूल भी आ गया है, लेकिन फिर भी कोरोना काल में इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाना आसान काम नहीं है। कुछ दिन पहले ही खबर मिली थी कि चेन्नई कैंप में 13 प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब दिल्ली कैपिटल्स में भी पॉजिटिव केस निकल आया है। दिल्ली कैपिटल्स टीम के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। पता चला है कि यूएई पहुंचने के बाद डीसी के फिजियो साहब पहले 2 टेस्ट में नेगेटिव आए थे, लेकिन तीसरे टेस्ट की उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। वो क्वारंटाइन में हैं। इससे पहले दुबई आने के बाद हुए दोनों टेस्ट में उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। दिल्ली कैपिटल्स ने आगे लिखा कि वो किसी भी प्लेयर या फ्रेंचाइज के संपर्क में नहीं है, उन्हें तुरंत आइसोलेट कर दिया गया है और वो अगले 14 दिनों तक आईपीएल की आइसोलेशन फैसिलिटी में रहेंगे। इसके बाद उन्हें फिर से टेस्ट के लिए जाना होगा। 2 बार टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो टीम के साथ जुड़ पाएंगे। फ्रेंचाइज की मेडिकल टीम उनके साथ पूरे संपर्क में है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती है। दिल्ली कैपिटल्स खेमे के लिए चिंता की खबर है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाकी खिलाड़ी या स्टाफ में से किसी के भी पॉजिटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन हर क्रिकेट फैन की तरह हम यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो। आईपीएल के शेड्यूल में दिल्ली की टीम को 20 सितंबर को अपना पहला मैच खेलना है, जो कि किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ है। ऐसे में दिल्ली की टीमों को अब सावधान के साथ आगे की प्रैक्टिस करनी होगी।